सो गाइस जय भारती, लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हमारे पास अभी इतना चश्मा, इससे ज़्यादा रहता था चश्मा, तो हम दिखा देते हैं कि आप लोग को अच्छा कौन सा वही चश्मा लेके जाएंगे। कमेंट में बताना जो अच्छा लगता है ना इसमें से, वही बताना, ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पास वीडियो बनाने के लिए इतना चश्मा है। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में 9 चश्मे हैं और चश्मे थे जिसका कलर और डैमेज हो जाता है, उसे हम फेंक देते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल अभी प्रेजेंट में 9 चश्मे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिलहाल मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो हम अभी फ़िलहाल रेडी हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल निकलेंगे बस स्टॉप। बस स्टॉप का नाम है कापसेड़ा कोचिंग। तो वहाँ हम बस का इंतज़ार करेंगे 729। ये डायरेक्ट जाते हैं लाल किला, और राजघाट भी उसी के पास में है, तो हम फिलहाल अभी राजघाट चलेंगे। फिलहाल हम लोग अभी रेड निकल चुके हैं और नितेश जी का मास्क हो गया है, तो ये मास्क अभी ढूंढ रहे हैं। तो अगर मास्क ये नहीं पहने तो 2000 का चलान कटेगा इनकी, दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत हो जाएगा, जल्दी से मास्क खोज। मिल गया, मिल गया, मास्क मिल गया, देखो। सो मिल गया गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है गाइस। 1 मिलियन। आ चुके हैं और ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, राजघाट में आपको दिखाते हैं। ये फिलहाल अभी कुछ चीज़ का क्या है, हम राजघाट आ चुके हैं और दिखाते हैं आपको पीछे के, जैसे देख रहे हैं आप। तो फाइनली हम राजघाट आ चुके हैं और यहाँ का अभी फ़िलहाल देखते हैं गेट का क्या हाल है और अंदर का क्या सीन है। जैसे कि देख रहे पब्लिक बैठे हुए हैं और अभी हम लोग अंदर प्रेस करेंगे, अंदर का दिखाते हैं आपको। चलिए आप बने रहिए, आप फिलहाल चलते हैं। तो ये है अपना राजघाट। तो फाइनली हम राजघाट आ चुके हैं और जैसे कि देख रहे हैं कि राजघाट का, यार राजघाट का जो सीन है, यहाँ पे लोग कुछ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ से हम अभी अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं पहले क्या है, ठीक है। मास्क पहने, समय दूसरा समय पर हाथों को धोएं, दूसरे से उचित दूरी 2 गज के बनाए रखें। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक दूसरे को उचित दूरी बना कर रखें और यहाँ हमेशा याद रखें मास्क पहन के, मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरह से साबुन से पानी से धो लें, आलोल्ला कुल्ले कुल्ले कर लें, 2 गज की दूरी। ये नीतीश जी अभी उधर वीडियो बना रहे हैं और क्या बोलते हैं, इधर कुछ लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। तो अभी फिलहाल दिखाते हैं आपको राजघाट का सीन। ये है राजघाट। तो फाइनली हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चलिए फिर आपको अंदर को लोकेशन देखते हैं। अभी फिलहाल लाइन में हम लगे हुए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। अभी फाइनली हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपको अंदर का लोकेशन मैं दिखाता हूँ। चलिए तो आप बने रहिए। और ये थोड़ा सा झरना का पानी है, ये पानी जा रहा है। तो ये है राजघाट, और राजघाट के लिए मैं सारा आपको डिटेल अच्छे से समझा दूँगा। फिलहाल अभी ये सीन ले लेता हूँ राजघाट का फिलहाल, और आपको सारे डिटेल में मैं समझा दूँगा, ठीक है। चलिए आप बने रहिए। और इधर एक कुछ एक नदी है, वो दिखाते हैं आपको। एक नदी है इधर, दिखा देते हैं जैसे आपको। पगली ये एक नदी है, तालाब है छोटा सा। इसमें मछलियाँ भी है क्या? नहीं, मछलियाँ तो नहीं है, बस वैसी है।
गाइस हम आ चुके हैं राजघाट। तो कहीं कहीं है क्या है ना, कपल्स बैठे हुए हैं तो उन लोग को नहीं दिखा सकते हैं। कुछ लड़कियां हैं, कुछ है हमारे, ये कौन है सिंगर मुन्ना, ये साला खाली बोलता है कि खाली लोग लड़की के साथ वीडियो बनाते हो, मेरा नहीं बनाते हो, खाली सलाह खाली छोड़ी पटाने आता है। हाँ ये खाली छोड़ी पटाता है छोरी भाई, ऐसे नहीं पटेगी चप्पल पहन के भाई। तो ऊपर आ गए हम, तो आप लोगों को गांधी जी का ये दिखाते समाधि, और अंदर जाएंगे तो आप लोगों को बहुत नगीस से दिखाएंगे समाधि। अभी फिलहाल ऊपर हैं हम, तो ऊपर से दिखाते दिखेगा। तो ये जो है ना, ये महात्मा गांधी का, ये महात्मा गांधी का समाधि है, जो कि यहाँ पे जो दिया जलती है ना 24 घंटा जलता है, और 24 घंटे में एक मिनट भी नहीं बुझती। यही यहाँ का सीन है, आपको अंदर जैसे जाएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे। चलिए अभी फिलहाल फूल देखिए कितना हरा भरा है, और ये हमारे टीम है, ये हमारी जनता पब्लिक है इंडिया की, भारत की। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा है, करीब हम लोग को घूमने में भी 4 दिन लग जाएगा इस जगह पे, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी है। और बहुत दूर से पब्लिक देख आते हैं गांधी जी का समाधि देखने, और आपको मैं करीब से जाके दिखाऊंगा एक्चुअली वहाँ पे क्या है, शायद कैमरे की अलाउड है या नहीं, मैं फिलहाल अभी फ़ोन से बना रहा हूँ। चलते हैं अभी, एक लोगों तो है ना, एक लोगों तो आप और दो मैं लाऊंगा भाई। हम वैसी लड़की को रखते हैं जो टाइम पे आ जाए। भाई ऐसे ही ये क्या है, ये व्लॉग होता है, व्लॉग भाई सब सबके साथ आता है व्लॉग, है ना, हम बोलते हैं। ये लोग पब्लिक, बोलो भैया, बोलो भैया, ये महात्मा गांधी समाधि है, महात्मा गांधी का, और ये इधर दिखाइए, ये लोकेशन है। ऐसा नहीं है कि सब बहुत सारे मजे लेंगे, के अंदर भी अपना चैनल डाल डाल चैनल। हम लोग अभी वीडियो शूट करेंगे, अभी कैमरा बैग में है, और कैमरा निकालने के बाद यहाँ पे वीडियो शूट करेंगे। कैमरा फिलहाल निकल चुका है, कैमरा निकल चुका है, और कैमरा फिलहाल कैमरे से कुछ ब्लॉग अभी पीछे से आ रहा है। भाई गोल्डी बॉय किधर रह गया यार, कैमरा उन्हीं के पास है। और 3 नंबर गेट के बाद एक और रिक्शा मिलेगा हमारे गोल्डन भाई है कि आप फिलहाल अभी वो कपड़े तो चेंज नहीं करते, पब्लिक इतने भरे हुए हैं ना, नहीं तो गोल्डन कलर के दिखाते हैं। जंगल है ना, अच्छा इतनी लड़के भरे हुए उनके सामने कपड़े चेंज करा दो, घूमने कर देंगे यार यहाँ पे उधर कपड़े। भाई तो देखिए ये है गांधी जी का समाधि, और हम फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। अबे भाई नीचे उतरते हैं, नीचे से चलो, यहाँ से उतरते हैं हम लोग नीचे। वो महात्मा गांधी को 1959 में और 1948 में महात्मा जी और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और 1959 में बोरबट गुजरात में हुआ था। ये चीज चार सारा चीज़ मैं दिखा सकता हूँ आपको, लिखा चीज़ ये। और आइए मैं दिखाता हूँ और कुछ। राजघाट में देखिए क्या क्या सजाने हैं, राजघाट भी यमुना नदी के तट पर पुरानी दिल्ली है। और ऐसा चीज़ बहुत चीज़ मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए आप, ठीक है। और ये भी उसके पीछे वाला बैक साइड है, मेन गेट के साइड पे कुछ यही सीन है। और मैं आप लोगों को बहुत ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि, चलो अभी फ़िलहाल, तो फिलहाल मैं अंदर आ गया हूँ। और ये देखिए ये लोकेशन जैसे कि देख रहे हैं, इसका चार रास्ते हैं, जो कि मैंने पहले जो एंट्री जहाँ पहले से किए थे वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। और ये फ्लोवर व्लोवर है, कुछ फूल वूल, बहुत ऐसी चीज़ हैं जो कि आप देख रहे हैं। फिलहाल हम इंदिरा गांधी का समाधि पे जा रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो में। और गांधी जी का भी समाधि दिखाएंगे, जैसे कि मैंने क्लोज ले रखा है। आप तो यहाँ झाड़ियों के पीछे को, झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ भाई, गलत काम नहीं हो रहा भाई, चलिए ठीक है भाई, ये गलत काम हो रहा है झाड़ियों के पीछे, सीन गजब आ रहा है ये। तो इस पार्क का नाम है राजघाट, और नियर में है मेट्रो स्टेशन राजघाट, बस स्टॉप है राजघाट, और नियर में है लाल किला, जमा मस्जिद, इन दोनों के बीच में ये राजघाट है। और ये जो राजघाट है
ये जो लाल किला है ना, लाल किला के पीछे में पड़ता है आपको। तो आप लोग भी आइए अपनी फैमिली को लेके, घूमिए। ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत गुलाब है, फूल है यार, जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल है देख रहे, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और ये जो है मेन गेट, ये सामने से हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। इसका 4-5 गेट है, तो ये आपको मेन गेट है, जैसे कि देख रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं। और जस्ट इसके बगल में है जहाँ गार्ड लोग होते हैं, चेक करते हैं। ये सब हरा भरा है, बच्चे देखो दौड़ रहे हैं, और ये सब पूरे फैमिली को लेके आते हैं अपने। हरा भरा बहुत सुंदर जगह, बहुत अच्छा लोकेशन है, तो आप लोग भी आइए। और ये एक तालाब है, चलिए मैं आपको तालाब के पास ले चलता हूँ। और ये जो तालाब है ना, इस तालाब में लोग नहाते भी हैं, और बकुला हैं, बकत हैं, चिड़ियाँ हैं। अभी कुछ आपको दिखेगी नहीं क्योंकि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। एक चिड़िया बैठी हुई है, ये चिड़िया एक बैठी हुई है। और अभी कुछ लड़के नहा रहे थे, मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा पिंटू भाई है, और जूम करके मैं दिखाता हूँ। हंस बकत भी आपको दिखेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कैमरे से वीडियो शूट करेंगे, ये पकड़ना भाई। तो प्लीज़ हम लोग का चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और राहुल और इमरान पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। देखिए पानी कितना मस्त पानी, बहुत लोग अच्छा घूमने आते हैं, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे इमरान भाई वहाँ पानी के बीच में गए हैं, पानी में कूद गए। अरे और कोई बात नहीं, गिर भी जाते कोई दिक्कत नहीं। भाई है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, गिरने को सर। मगरमच्छ का आंटी सच्ची में, और इसके अंदर मगरमच्छ भी है। और आंटी का बताना है, आंटी बोलिएगा एक बार क्या है इसके अंदर मगरमच्छ है। इसके अंदर मगरमच्छ है, ध्यान रखना, खींच गिरे तो। हाँ मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई, ये बात सुन के। और मगरमच्छ है तो राहुल हाँ, और आंटी हमारी बता रहे हैं यहाँ मगरमच्छ है, तो कि प्लीज़ यहाँ से मगरमच्छ से बच के रहिए। और आप लोग देखिए, हमारे इमरान भाई हैं, ये हमारे अमित भाई हैं, ये हमारे राहुल भाई हैं, तो सबसे ज़्यादा देखिए बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हम लोग को घूमने फिरने में। और इस जगह का मैं नाम बता दूँ तो इसका नाम है राजघाट, और ये आपको पड़ता कहाँ है, दिल्ली गेट के पास में पड़ता है, लाल किला के पास ही पड़ता है। लाल किला भी है, जामा मस्जिद भी है, जो इसका जो एक अपोजिट जो नियर में एक है राजघाट बस स्टॉप, तो वहाँ से आपको 5 मिनट या 2 मिनट लगेगा। अब दो पैरों से है, और बाइक से तो फिर टाइमिंग नहीं है। देखिए चलिए अब चलते हैं हम लोग, कैमरे से शूटिंग करेंगे। अब कैमरा ला रहे हैं, कैमरा बैग में पड़ा हुआ है, तो हम लोग कैमरा अब निकालेंगे। मोबाइल का शूटिंग कंप्लीट, ब्लॉग वीडियो बनाना था वो कंप्लीट हो गया, और हम लोग कैमरा से शूट करेंगे और हर जगह का वीडियो शूट करते हैं, और फिर यूट्यूब पे सबको देखने को मिलेगा। देखिए कितना मस्त पार्क है, और ये हमारी आंटी है। बहुत डर लगा, आंटी ने जो बोला, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। मगरमच्छ खा जाएगा, डर लग रहा है, मगरमच्छ खा जाएगा। मैं वैसे भी यार घर में बड़ा लड़का खेल रही हूँ, चालू हो गई भाई। और छोटा सा ये क्या है, इस पे बैठने वाली चिड़िया की, चिड़िया कौन पर इस पे बैठे, जो आपको जूम करके दिखा दो भाई। देखिए जूम करता हूँ मैं, देखिए ये चिड़िया के लिए बैठने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। और फिलहाल हम लोग जूता उतार दिए, हमारे दोस्त भी उतार रहे हैं। कुछ लोग यार जान के भी अनजान बनते हैं, कुछ लोग देखो बिना जूते पहन के चले गए, यार ये गलत बात है। और क्योंकि ये इंदिरा गांधी का समाधि है, और मैं आपको गांधी जी का भी समाधि दिखाऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं आगे। जिसे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना एंट्री जो है बिल्कुल फ्री है, पर यही है कि यहाँ पे कैमरे लेके आ सकते हो। यहाँ एक चीज़ अच्छा है यार, कैमरे हम लोग लेके आए थे, कैमरे से भी शूट हो चुकी है। आने के बाद थोड़ा साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोग हैं उन्हें बोलने के बाद भी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर, गंदे करके चले जाते हैं, तो ये चीज़ यार ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोग भी देखो वहाँ पर लिखा भी पड़ा था जूते यहाँ उतार के जाएँ, तो कुछ लोग जूते पहन के भी समाधि पे आ गए। वीडियो शूट कर मजा आ रहा है वीडियो शूट कर भाई। तो ये देखो हम लोग मजे कर रहे हैं, और ये तुम्हारा भाई चालू नहीं है। ओ
पीछे जा। आइए हम आपको इंदिरा गांधी जी का पोस्टर दिखा रहे हैं और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि मैं आपको पास ले जाके दिखाता हूँ। तो ये है इंदिरा गांधी जी का कुछ लिखा हुआ इतना स्पष्ट। इंदिरा गांधी जी और ये इंदिरा गांधी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इनका जन्मदिन 19 नवंबर 1917, 31 अक्टूबर 1984। चलो तो फिर यहाँ से चलते हैं। गांधी जी को तो आपको इंदिरा गांधी जी को दिखा ही दिया, आगे यहाँ से बढ़ते हैं। चलिए आगे का और चलते हैं, ये तो आपको देख ही दिए, आगे मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग बने रहिए, मैं आगे के दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए आगे आइए। ऐसी वैसी बात नहीं सुनते। ये देखिए हमारे पब्लिक खड़े हैं और हमारे गोल्डी भाई तैयार हो रहे हैं। ये देखो बच्चे का पैसे छीन रहा है। तो ये हमारा गोल्डी भाई तैयार हो रहा है, देख रहे हैं। जैसे कि फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि बेचारा का प्राइवेट है। और ये चेनी भाई अपना भाई राहुल, गांड मार दे इसकी चेनी की, मार 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 इसकी गांड मार साली की। बहुत ज्यादा बोलता है ये। तो ये हमारे सारे पब्लिक है। गांड मारो, गांड मारो, कैमरे पे जाओ, कैमरा नहीं इमरान भाई भाई हम मारेंगे। चैनल का सब्सक्राइब करवाओ, टीआरएस ऑफिशियल सब्सक्राइब करो। ये हमारे गोल्डी भाई अभी तैयार हो रहे हैं। चैनल का नाम है गांड मार लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, गांड मार लो, गांड लो। देख बच्चे भी खुश हो रहे हैं, गांड लेगी इसकी भाई से, गांड लेगा, लेगा इसकी गांड, लेगा तू नहीं लेगा भाई, देख ले तेरी महकती है इसीलिए मना कर दिया भाई। राहुल तू लेगा नहीं, मैं भी बदबू मारते हाँ तेरी तो देख भाई पीछे से हट। राहुल लेगा गांड, मगर टट्टी आती है वो भी भाई। जब ये हमारे गोल्डी भाई आ चुके हैं और तैयार हो चुके हैं, जैसा कि देख रहे हैं कुछ चूती है बड़े, इनको यार परेशान कर रहे हैं। परेशान मत करो भाई, कोई परेशान ना, शेयर करो बस, परेशान मत करो। हाँ भाई, तो ये हमारे गोल्डी भाई, ये देखो, अरे वो क्या बात है भाई, ये किस भी करता है भाई, ये किस भी करता है। वाह मैं सोचा यार स्टैचू है वो किस कर, फिटू को किस कर, ये देखो ये देखो ये देखो, बदतमीज है ये गोल्डी भाई। तो भाई इनके साथ अभी कुछ लोग वीडियो बना रहे, पब्लिक को दिखा सकते। अरे यार भाई आवाज रियल आवाज में बन जाएगी ये, तो इतने लोग भीड़ लगा रखे भाई। देखिए ये गोल्डी भाई की शूटिंग चल रही है, फिलहाल अभी तैयार हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया था कि गोल्डी भाई अभी तैयार हो रहे हैं, तो ये गोल्डी भाई तैयार हो चुके हैं। देखिए हमारे गोल्डी भाई के साथ कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और गोल्डी भाई ये अपना टीम है, ये राहुल भाई है। कल आ जाओ भाई, गोल्डी भाई, गोल्डी भाई की हुआ कब से चला लग गया कुछ। ये थोड़ा सा सीने में दिखा देता हूँ, तो ये चीज के अंदर ऊपर जाने के लिए जूते अपने, कृपया अपने जूते यहाँ उतार कर जाएं, प्लीज रिमूव योर शूज। फिलहाल ये देखिए गांधी जी का समाधि है और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यही है गांधी जी का समाधि। और यहाँ पे एक ऐसी बात है कि ये जो आपको ब्लर हो गया यार, मैं आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा। ये गांधी जी का समाधि है, जैसे यहाँ पे 24 घंटा आपको दिया दिख रहा है बीच में, 24 दिया जलती रहती है, 24 घंटा जलता है, कभी बुझती नहीं है। इसमें यही खासियत है, बहुत दूर से लोग आते हैं बाबू जी को देखने। और ये सब फूल पौधे लंबा चौड़ा देखने, ये सारा ये कपिल किधर से आ रही है, ये पूरा पहाड़ बहुत सुंदर से। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, आप देख लीजिए जो पब्लिक काफ़ी आ चुके हैं, सब सेल्फी वेल्फी खींच रहे हैं।
गेट है और एंट्री यहाँ से होती है, यहाँ से एंट्री करके हम लोग इधर आए हैं और यहाँ पे से आगे बढ़ते हुए जो आप लोगों को नज़ारा दिख रहा है, ये नज़ारा है, ये जो आप लोग लोकेशन देख रहे हैं इससे आगे बढ़ते हैं। एंट्री तो ठीक ठाक है, बाकी अंदर चलते हैं देखते हैं और क्या मिलता है, दिखाते हैं आप लोगों को। सच के जैसा कोई सुख नहीं, झूठ के जैसा कोई दुख नहीं। आई की सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप फ्री है, कोई आपको पैसे चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है और एक फ्रीडम है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो के लिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बेटर हमें लगा। और अगर मैं बताऊँ तो ये सब सारे पानी से भरे पड़े हुए हैं, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे पानी से सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई है। ये जो आप हरा भरा देख रही हैं यार, यहाँ से ऊपर चढ़ने का भी रास्ता ये वाला, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो। वो बोला था कि यहाँ से चढ़ने को ऊपर है, तो ये बहुत खूबसूरत अच्छी नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नज़ारा है। तो आप लोग अपनी फैमिली को लेके आइए और घूमे, बहुत अच्छा है। और ये इंदिरा गांधी का समाधि मैंने ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया था, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये है इंदिरा गांधी जी का समाधि। और इसमें एक खासियत है कि 24 घंटा जो दिया आप देख रहे हैं, और देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, जो ये दिया दिख रहा है ना आपको, ये एक दिया है 24 घंटा जलता है। कुछ हरा भरा फूल है, बहुत खूबसूरत है। ये महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और इनका मृत्यु की बात करूँ तो 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने इनको 30 जनवरी को 1948 में गोली मार दिया था, ठीक है। और गुजरात में ये 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में जन्म लिए थे। तो ये पूरा आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो। और ये जो आप देख रहे हैं ये राजीव जी का समाधि है, ठीक है यार, जो उनका एक एक लाइन था ना, गजब था। तो यार जिसने गांधी जी का समाधि नहीं देखा, मैं जूम करके और दिखा देता हूँ, लास्ट बार देख लीजिए गांधी जी का समाधि। और ये देख रहे हैं हमारे देश का तिरंगा, मेरी जान तिरंगा है, जय हिंद जय भारत। तो आप सामने देख, ये थोड़ा सा इनका सारी चीज़ें भी इनके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है और किसी प्रकार की यहाँ पे चल रहे हैं, अब हमारा ब्लॉग बन गया है और जो कि एडिट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और हम लोग निकल जाने वाले हैं राजघाट से। जैसे कि यार बहुत अच्छा जगह है, आप फैमिली के साथ घूम सकते हैं, क्योंकि जैसा है यार देखो किसान जी हर अभी पानी वानी पटा रहे हैं, मैंने भी खेत किए हैं तो खेती बाड़ी सब होते हैं। तो अब आप लोग चल रहे हैं गौरव भाई, यहाँ पे यही है तो मस्त है, जा रहे हैं तो लोग बहुत बहुत पीछे आ रहे हैं, आप लोग भी आइए यहाँ इंजॉय कीजिए, काफी लोग पीछे भी लोग आए, आपको यहाँ पे काफी भीड़ लगी है। ये अपना राहुल भाई है, अबे गरबा, ए हरामी।
भाई है मस्ती ना। चलो अब हम लोग चलते हैं, नज़ारा आप लोग देख ही लिए हैं। बाकी और जो अभी वीडियो उसमें एडिट करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे मेरी पूरी टीम आ रही है, टीम आ रही है या जा रही है। यहाँ पे इमरान है, यहाँ पे ये राहुल है, राहुल को देखिए और गोल्डन जी है, गोल्डन अपनी गोल्डन की आवाज़ से फेमस है। चलिए ये आपको फूल थोड़ा दिखा देते हैं, तो फिलहाल अब हम निकल रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग मारे लगा लिए और अब निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। ये निकासी एंट्री है, ये जैसे देख रहे हैं निकाल, तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं, निकल चुके हैं। फिर दिखा दे गेट, फाइनली हम लोग बाहर गेट से बाहर निकल चुके हैं। और जो वीडियो एडिट होके आएगी मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी टीम है और यहाँ पे कुछ सामान रखा था हमारा, देख लेता हूँ है कि नहीं। यार सामान को उठा लिया यार, लगता है यहाँ पे मैंने यार कुछ रखा था, उठा लिया किसी ने यार। बहुत प्यास लगा तो गन्ने का जूस हम लोग पी लेते हैं। भैया 10 वाली देखता हूँ जाके, 8 कितने अबे यार, कितने 8 बना दीजिए 10 वाला। बहुत प्यास लगा तो गन्ने का जूस हम लोग पी लेते हैं। भैया 10 वाली देखता हूँ जाके, 8 कितने अबे यार, कितने 8 बना दीजिए 10 वाला। बस में इतना दिक्कत होता है, इतने लोग भर रहे हैं, कहीं भी देखिए बस में यही दिक्कत होता है यार। अभी क्या है ना, थोड़ा कोरोना की वजह से बहुत कम लोग बैठाते हैं बस पे, तो बस में यही दिक्कत होता है, कोचा कोची। ये देखो इतना पब्लिक अभी रह गया। तो हम लोग पुरानी दिल्ली आ चुके हैं और ये एक पार्किंग है, ये बड़ा सा एक बिल्डिंग है और ये है जो हमारे नियर में एक मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो स्टेशन का बना हुआ है और ये बस स्टॉप।